Hello everybody, hope you all are doing great. It's me Satish. So today I'm going to cover video on family registration certificate. So if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. I have been working on series of videos about the documents required for the visa application. I will be addressing what points to be added and how you can you just get them in Pakistan. So coming to the next thing, what is meant by FRC? Family registration certificate is a mean of being identified with your NADRA record. This provides the family composition. आपको एक उनको शो करवाना होता है कि आप लीगल सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली नादरा के रिकॉर्ड चाहिए होंगे और उसके साथ साथ आपकी ये एक फैमिली ट्री भी दिखाता है. सो देर आर टू वेज टू गेट एफ आर सी. यू कैन ईदर अप्लाई ऑनलाइन, उसके लिए आपके पास सारी उनको डिटेल्स देनी पड़ती हैं पोर्टल पर, बेसिकली आपको डिटेल्स देनी होती हैं. दूसरा जो ऑप्शन है वो है यू कैन हेड टूवर्ड्स द नियर बाय नादरा ऑफिस एंड गेट इट विद इन एन आवर. कोई भी हेक्टिक काम नहीं है, जल्द हो जाता है ये काम. इसमें कुछ भी आपके पास कोई इतनी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसी टाइम आपको दे देते हैं. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस इज इट शोज़ द फैमिली ट्री, आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं. ये सारा डिटेल्स जो होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं. इट गिव्स वीज़ा ऑफिसर अश्योरेंस दैट योर फैमिली इज़ हैविंग लीगल सिटीजनशिप. आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी आपके पास लीगल सिटीजनशिप है, इसका ये प्रूफ होता है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू हैव मैंशन दैट यू आर ओनली सन इन SOP, देन दिस डॉक्यूमेंट विल प्ले एज एन एविडेंस. ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही बात है. अगर आपने SOP में आपने बताया कि मैं सिंगल सन हूँ, तो उसके लिए भी ये एक सपोर्टिंग पॉइंट है. क्योंकि देखें, SOP में जो भी आप चीज़ें मेंशन कर रहे हैं उसका एक प्रूफ देना एक प्लस पॉइंट होता है. ठीक है, अगर वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा तो वो एक उसका पक्का हो जाएगा कि एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू टेक विद यू व्हेन गोइंग टू नादरा ऑफिस. मेक श्योर टू टेक ऑल फैमिली मेम्बर्स CNIC copy with you. They take them and they just enter the details. ठीक है, if you have minors in your family then you are required to take them with you for photographs. जो भी 18 साल के नीचे हैं उनको आपको लेकर जाना पड़ेगा, वो उनके फ़ोटोज़ लेंगे ताकि वो आपके जो FRC है उसमें mention कर सकें. ठीक है, so important things are the fees for the FRC is ₹500 if you are not applying for an urgent, you know, अर्जेंट में आप अप्लाई नहीं करेंगे तो 500 ही फीस है. उसके साथ साथ गोइंग टू नादरा इज़ प्रेफर्ड देन अप्लाइंग ऑनलाइन. देखें, नादरा के बाद ऑलरेडी आपकी डिटेल्स होती हैं, तो अगर आप वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स देंगे तो वो आपको फिर से वो FRC एक काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. आपको बताएंगे कि भाई ये अगर सही है तो आप हमें बताएं, हम प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि वो प्रिंट आउट ही वहीं पर आपको निकाल के देंगे. ऑनलाइन में शायद ये चांसेस ज़्यादा होते हैं मिस्टेक्स के, तो अच्छा यही है कि आप वहाँ पर जाएं और विद इन एन आवर या 30 मिनट्स में ही आप ले सकते हैं. ठीक है, सो यू गेट इट विद इन एन आवर ऑब्वियसली. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मोर वीडियोज़ विल बी अपलोडेड फॉर योर ईज़. मेक एन एफर्ट, क्रिएट अ चेंज, डू सपोर्ट.